बनारस की रंगीन सड़कें, मचलती फिजाएं और गंगा घाट पर उगते सूर्य का दृश्य काफ़ी मनोरम होता है। यहाँ के लोगों की दिन की शुरुआत गंगा में स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ देकर होती है। सुबह होते ही दर्शनार्थियों की कड़ी जुड़ जाती है। साधु तथा पंडित अपने पूजा में लीन हो जाते हैं। रंगों से भरा हुआ ये शहर बहुतों को संगीत के रंग से रंग देता है। बच्चे, बूढ़े और जवान गंगा माता की गोद में डुबकी लगाते रहते हैं। ना इन्हें कुछ पाने की खुशी है, ना ही कुछ खोने का गम। ये तो बस अपने ही रंगों में रंगे रहते हैं। बनारस के लोग तप तथा साधना में हमेशा तल्लीन रहते हैं। गंगा किनारे बसा हुआ ये शहर गंगा को ही समर्पित है। यहाँ कुल मिलाकर बड़ी बड़ी सीढ़ियों से बनी 84 घाटें हैं, जहाँ पर दूर से आए दर्शनार्थी अपनी धुन में खोए बैरागी तथा सैलानियों का मेला लगा रहता है। सदियों से जलता आ रहा मणिकर्णिका घाट पर शमशान मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जिनकी मृत शरीर को जहाँ जलाया जाता है उन्हें मोक्ष मिल जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
आपको गली गली में साथी अपनी भक्ति में लीन नजर आए। पशुओं को भी यहाँ भगवान का दर्जा दिया जाता है। बनारस की ये अलबेली जीवन शैली में रमे हुए लोग बड़े ही मस्तमौजी होते हैं। यहाँ की गलियों में दौड़ते खेलते बच्चे गली को हमेशा जीवित रखते हैं। बनारस आए और यहाँ की लस्सी का आनंद नहीं लिए तो क्या लिए? आलू की टिकिया और चटपटे फुचके तो लोग बातों बातों में ही 10-20 खत्म कर जाते हैं। यहाँ के कढ़ाई में छकते गरम गरम लिट्टी का क्या कहना, और साथ में रसीली जलेबियाँ हो तो चार चांद लग जाती है। बनारस के लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ पर आपको तरह तरह के नाश्ते मिल जाएंगे जिनका स्वाद आप सदियों तक ना भूल पाएंगे। दिन ढलते ही बनारस एक अलग रंग में ढल जाता है और एक उमंग से भरी भीड़ दशाश्वमेध घाट की ओर निकल पड़ती है। दशाश्वमेध घाट जो कि हर शाम गंगा आरती से गूंज उठती है और यहाँ आए हुए लोग इस गूंज से झूम उठते हैं। ऐसा ही कुछ है अपना बनारस।